यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड से है। हमारे भारत के सभी डॉक्टर जो एमबीबीएस पढ़ते हैं सब के सब वही सिलेबस पढ़ते हैं लगभग जो यूरोप पर देखते हैं। और जो स्टैंडर्डाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन को यूरोपियन अमेरिका तो भारत में थोड़ा अंतर आएगा, हर बार अंतर आएगा, हीट में भी अंतर आएगा, टेम्परेचर में भी अंतर आएगा, पल्स में भी अंतर आएगा। तो डॉक्टर जो बता रहा है वो है जो उनके टेक्स्ट बुक में उसको पढ़ाया गया और सिखाया गया। टेक्स्ट बुक सभी की सभी यूरोपियन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड पे बनी हुई है। भारत के स्टैंडर्ड पे जो टेक्स्ट बुक बनी है वो एक ही जगह से छपी है या आज तक हमको पढ़ने को मिली है। गुरुकुल कामिनी विश्वविद्यालय एक है जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आर्य समाज ने उसको बनाया। वो यूनिवर्सिटी से जो निकली है किताबें जो भारत के लिए स्टैंडर्ड बनाने वाली यूनिवर्सिटी है उनका ये वैल्यूएशन है जो मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर कह रहा है एक बार आप अपना वैल्यूएशन भी ध्यान रखो। डॉक्टर कह रहा है यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ध्यान रखना है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो भारत की ताकत के हिसाब से मैंने आपको बोला प्लस माइनस फाइव, ये यूरोप में नहीं चलता प्लस माइनस फाइव, किसी भी कैलकुलेशन में नहीं चलता। अच्छा, और एक छोटी सी बात कहूं, ये बात जो है ना अपवाद है, ये रूल नहीं है, ये अपवाद है। आप जानते कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं दुनिया, तो अपने देश में भी कुछ एक्सेप्शन है जो दुनिया वालों को समझ से नहीं आते। वो एक एक्सेप्शन आप ध्यान रखो, आप अगर इस बात में बहुत फंस गए कि बीपी हाई है या बहुत लो है, बहुत हाई है बहुत लो है, तो दिमाग में हो जाता है टेंशन। तो इसको ऐसे याद रखो, सरल, मैं ये 10 साल के तजुर्बे से बता रहा कि सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ अगर नहीं है, आराम से सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि बीपी आपका नॉर्मल है, रेंज कुछ भी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अगर आप कोई तकलीफ महसूस नहीं करते तो जान लीजिए कि बीपी नॉर्मल है, चाहे रेंज कुछ भी। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही और ब्लड प्रेशर नापा आपने, तो वो बता रहा है कि जी नीचे वाला जो बन गया है और ऊपर वाला 150 है 160 है, या नीचे वाला 100 हो गया ऊपर वाला 170 है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं, तो आप एक बात को रेंज भूल जाना है, सीढ़ियां चढ़ना जाता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रेंज के हिसाब से तो बीपी बहुत हाई है और 20 साल से मैं उनको देख रहा हूं, सर्दी और जुकाम भी नहीं हुआ और रेंज हाई है बीपी हमेशा। मेरे घर में एक बहन आती है काम करने के लिए, वो झाड़ू पोछा लगाती है, उसका बीपी जब भी मैंने देखा है मैं परेशान हो गया कि ये इतनी रेंज में और ये जीवित है। और मैंने कई बार उसको शक किया, तुमको कुछ तकलीफ तो नहीं है, उसने कहा आपको क्या लगता है तकलीफ है, सीढ़ियां चढ़ती हूं सीढ़ियां उतरती हूं कोई तकलीफ। और मैंने ये एक नहीं दो नहीं पांच नहीं 100 200 500 1000 ऐसे पेशेंट थे जिनकी रेंज बहुत हाई या रेंज बहुत लो, ना तो सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ है ना उतरने में। तो बस आप ये याद रखना ये भारत का हिसाब है, असली ये कि आप सीढ़ियां चढ़ते समय कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस नहीं करते, सांस आपकी नॉर्मल है, हृदय की धड़कन भी ठीक ठाक है, तो आप समझ लेना आपको कोई बीपी बीपी की शिकायत नहीं। दिमाग में वायरस फटता है और जो सीढ़ियां चढ़ते उतरते कंप्लेंट आने लगे, या तो आपको मुंह सूखने लगे या तो होठ सूखने लगे या तो हृदय की धड़कन बढ़ने लगे या तो सांस रुकने लगे या तो आपको रुकना पड़ जाए सीढ़ियों में, तभी आप आगे बढ़ना है। अब हमको तो कुछ प्रॉब्लम है और वो है तो क्या है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन तजुर्बे में से आया हुआ ज्ञान है। भागवत किसी ने ये नहीं लिखा, ये 10-12 साल से मैं करते करते देखा सीखा समझा कि जिनको सीढ़ियां चढ़ते हुए कोई तकलीफ नहीं है उनको। अब मैंने इसमें और एक दो चीज जोड़ी है वो भी आप ध्यान रखो कि आपको अगर पता करना है कि मैं ओवर वेट हूं कि नहीं,
मुझे वजन ज्यादा है कि नहीं, तो एक तो बॉडी मास इंडेक्स है, ये बॉडी मास इंडेक्स को यूरोप अमेरिका का स्टैंडर्ड है, हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड ये है वो ये कि सीढ़ियां चढ़ते समय कोई तकलीफ नहीं है तो आपका वजन आपके लिए ठीक है जी। क्या एक फ्लोर जब भी बात हो रही है एक फ्लोर में जितनी सीढ़ियां होती हैं 18-20 जो भी होती है 10 भी होती है 12 भी होती है, एक ही फ्लोर की बात कर रहा हूं। एक फ्लोर को चढ़ते समय अगर आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही है, ना रुकावट आ रही है, ना रुकना पड़ना ना पड़े, तो वजन भी आपका बराबर है, वो भले 150 किलो। हाँ, मैंने ये देख लिया कि अगर आपको एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है और वजन भले 150 किलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं है, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तकलीफ की स्थिति में नहीं है, कहीं ट्राइग्लिसराइड आपको परेशान नहीं है, माने आपको नॉर्मल अगर है सीढ़ी चढ़ना उतरना, वजन कितना भी रहने दो, बीपी कितना भी रहने दो, आप अपने को समझना हम तो स्वस्थ हैं। और जब सीढ़ी चढ़ने में एक मंजिल में तकलीफ में शुरू हो जाए तब समझना कि गड़बड़ है, तब आगे बढ़ना कि हमें क्या करना क्या। तो मेरी बात अब मान लो, ये वजन कम करना तब शुरू करना जब सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ आए, जब तक नहीं आ रही है वजन कम करने की कोशिश मत करो, जैसा है ट्रेंड करो। ये मोटी बात है जो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो क्या होता है कि ये वजन बढ़ने का ऐसा फिजूल संबंध आ गया है, घुस गया है वायरस, कि जो देखो वो कहें पतला होना चाहता है, पतला होना है, पतला होना है, क्यों परेशान हो। और दुनिया में ये बहुत बड़ा वो है इंडस्ट्री, आपको मालूम है वजन पतला करने का सबसे बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है इस समय। हाँ, अब वो बीसीओ नाम से चल रहा है, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूरोप में और अमेरिका में, अब ये भारत में भी आ गई है, इनको बनाना है पैसा, इनको करना है धंधा, उनको आपके हेल्थ से कुछ लेना देना है, उनको पैसा चाहिए, आप इतनी फीस दे दो तो ये इतनी फीस दे दो। तो हम अक्सर उनके चक्करों में फंसकर परेशान होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10 दिन शिव शाह भवन में मैंने जो पेशेंट देखे उनमें से बहुत पेशेंट ने मुझे कहा वजन कम करना है, क्यों करना है, मुझे नहीं लगता कि आपका वजन ज्यादा है, नहीं भी तुम बताओ आपको तो कम ही करना है, क्यों कम करना है, कोई ज्यादा हो गया कैसे मालूम आपको ज्यादा है आपका वजन, तो उनको मालूम नहीं है, किसी ने बोल दिया कि आप मोटे दिख रहे हैं या किसी डॉक्टर ने कह दिया आप पतले दिख रहे हैं, ये डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में नहीं, आप अपने ऑब्जर्वेशन में तय करो। मैं सीढ़ी चढ़ सकता हूं एक मंजिल आराम से और उतर सकता हूं तो कोई तकलीफ ही नहीं, अगर चढ़ने में हो रहा है तो दर्द होगा ना, अब मान लो वजन ज्यादा सच में है, एक थोड़ी देर के लिए कल्पना करो वजन ज्यादा ही है, तो निश्चित रूप से सीढ़ी चढ़ने में पांव में दर्द आएगा, घुटने में दर्द आएगा, हो सकता है कमर में भी दर्द आ जाए, सांस बहुत तेज चलने लगे, हाथ भी बहुत तेज हो जाए, ये सब आएगा, तो आप जानना कि वजन ज्यादा है ही तो कम करना है, और कितना कम करना है फिर वहीं पे आ जाओ, जितना सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ ना करे इतना ही कम करना, वो किलो के हिसाब से नहीं, भाई मैंने थोड़ी देर उपवास करके या थोड़े दिन उपवास करके वजन कम किया फिर चढ़ते दे दो सीढ़ी बराबर बैठती है तो बस वहीं पे रखना है अपना वजन, उसके आगे कम होता है। ये वजन कम करने से भी बहुत तकलीफें आप शायद जानते हैं, शरीर को फैट भी चाहिए, ऐसा नहीं है बिना फैट के ये शरीर चाहिए, तो वजन चाहिए, मांस भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पतले दुबले, जो पतले दुबले हैं ना उनकी अपनी समस्याएं हैं, आपको मालूम है कोई मां बहुत पतली दुबली होना तो बच्चे और मां दोनों की जान के लिए तकलीफ है। मैं तो देख रहा हूं मोटी थोड़ी मां है ना, थोड़ी मोटी वजन में थोड़ी भी ओवरवेट, आराम से बच्चा उनके घर से बाहर आता है और आराम से घूम रहे हैं बच्चे भी, लेकिन जो बहुत दुबली पतली है उनको तो काढ़िमा हो जाता है, इसलिए बहुत पतला होने की कोशिश मत करिए। ये जो कैट वॉक पे चलने वाली लड़कियां हैं ना, इनको देख के जिंदगी डिसाइड मत करिए, मेरे पास कई पेशेंट हैं वो कैटवॉक वाले ही, मैं मुंबई में भी जाता हूँ ना, बहुत पेशेंट है वो कैटवॉक, मैं जानता हूँ कि वो क्या कंप्लेंट लेके मेरे पास आते हैं,
और वो पतले दुबले इसलिए रहते हैं कि उनको पैसा मिलता है तभी तक जब तक वो पतले दुबले हैं। जिस दिन ओवरवेट हुए उनको तो इंडस्ट्री निकाल के बाहर भेज देती है, तो उनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए हर क्षण वो देश में रहते हैं, 100 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए, 200 की नहीं बढ़ना, आपको ये टेंशन नहीं लेना है। एक तो कैटवॉक इंडस्ट्री माने फैशन इंडस्ट्री और दूसरी है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री भी उनको निकाल के फेंक देती है क्योंकि उन्होंने अपने मानक बनाए, सुंदरता का उनका मानक है दुबला पतला होना, और विचित्र विचित्र उसकी उपमाएं दे रखी हैं। कमर ऐसी होनी चाहिए, गर्दन इतनी पतली होनी चाहिए, सुराही जैसी गर्दन। तो मैंने तो सुराही रख लो, ये ऐसे फालतू के हमारे देश में चक्कर चले कि ऐसी कमर ऐसी गर्दन ऐसी चेस्ट ऐसा, ये आप सब मत फंसिए। आप तो मोटी बात कर रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष, बड़े हैं या छोटे, बच्चे हो या सबके लिए एक ही फर्क है, एक माला सीढ़ी, एक मंजिल सीढ़ी आराम से चढ़ते हैं।